स्वागत, नमस्कार, जय जोहार। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। रायपुर में सहायक कैबिनेट ने कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। सहायक कैबिनेट ने पंचायत और नगरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। कैबिनेट ने ओबीसी आयोग की अनुशंसा पर अपनी मुहर लगाई है। इसके अलावा नई औद्योगिक विकास नीति मंजूर कर ली गई है। इसके तहत लघु, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। कैबिनेट ने विजन डॉक्यूमेंट को भी अपनी स्वीकृति दे दी है। नया रायपुर में निवेश को सरकार बढ़ावा देगी, साथ ही उद्योगों को भी सरकार प्रोत्साहन देगी। सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना को भी शुरू करने का फैसला लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और सीधे रायपुर से आपको नजर आ रहे होंगे आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, साय कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। जी बिल्कुल, आज साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। 16वीं बैठक में जो है वो नई शिक्षा नीति पर जो है वो मुहर लगी है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ ही नई उद्योग नीति पर भी मुहर लगी है। इसके साथ जो उद्योग का विकास किस तरीके से होगा उस पर बल दिया गया है। सब्सिडी दी गई है उद्योगों को जमीन आवंटन को लेकर नया रायपुर समेत अन्य जगहों में। इसके साथ ही जिलों में किस तरीके से उद्योग का विकास होगा, विकास खंड स्तर पर विभाजन करके किस तरीके से उद्योग को बढ़ावा दिए जाएंगे इस पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही जो है पंचायत और नगरी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर मुहर लगी है। पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग ने रिपोर्ट सौंपी थी, उसके आधार पर यह अनुशंसा की गई है। इसके साथ ही शिक्षक संवर्ग को जो है स्कूल शिक्षा में शामिल करने पर मुहर लगी है और भी कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले सहायक कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। तीर्थ दर्शन योजना पर मुहर लगी है जो मोदी की महत्वपूर्ण गारंटी थी। इसमें जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, विधवा और परित्यक्ता के अलावा अन्य जो बिंदुओं पर भी इसमें जो है लाभान्वित होंगे और निशुल्क तीर्थ दर्शन योजना का लाभ जो है वो हितग्राहियों को मिल सकेगा। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आकाश इस अपडेट के लिए। सहयोगी आकाश रायपुर से अपडेट दे रहे थे। और अब बात वायरल वीडियो की। रायपुर से खबर है, बीजेपी ने वीडियो की शिकायत की है। सुनील सोनी के वीडियो से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है और बीजेपी वायरल वीडियो को फेक बता रही है। सिविल लाइन थाने में इस बात की बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई है। साथ ही रायपुर दक्षिण से जो प्रत्याशी हैं सुनील बीजेपी के, उनका ये वीडियो कथित तौर पर था। कांग्रेस ने इसे लेकर तंज कसा था। सुनील सोनी के वीडियो को लेकर बीजेपी ने इसे न सिर्फ फेक बताया बल्कि अब एफआईआर तक ये मामला पहुंच गया है और सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई है। सुनील सोनी का ये वीडियो, दीपक बैज को हमने सुना था, दीपक बैज तंज कस रहे हैं इस वीडियो के बहाने कि हाँ, बीजेपी चुनाव से पहले तो ये सब करती है और उसके बाद तो बीजेपी ने इस वीडियो की अब शिकायत कर दी है। बड़ा अपडेट यही है इस मामले में, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। सुनील सोनी का ये वीडियो बताया जा रहा है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, वायरल वीडियो का मामला थाने तक पहुंचा? जी बिल्कुल ललित, देखिए वायरल वीडियो का मामला अब थाने पहुंच चुका है और भाजपा के प्रतिनिधि मंडल है, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, प्रदेश के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा सहित बीजेपी के नेताओं ने जा करके सिविल लाइन में इसकी शिकायत की है और इस वीडियो को फर्जी बताया है, फेक बताया है। अब पुलिस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के जांच रही है, आखिर इस वीडियो किसने टेम्परिंग किए हैं या फिर किस तरह का ये पूरा मामला है, अब उसकी जांच है सिविल लाइन पुलिस कर रही है। इसके अलावा बीजेपी के आला नेताओं ने जो निर्वाचन पदाधिकारी को भी इसकी शिकायत की है और इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए
आवेदन भी प्रस्तुत किया है। देखना यह होगा कि ये वीडियो की जांच है और जांच के बाद किस तरह से खुलासे होते हैं। जी ललित, चलिए बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। और अब वीडियो को लेकर सियासत गर्मा रही है। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है, ना सिर्फ निशाना साधा बल्कि तंज भी कस रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान बीजेपी क्या क्या नहीं कर रही है। अभी गले भी लगेंगे, चुम्मा भी लेंगे, सब चीज करेंगे। और सोच लीजिए कांग्रेस कितना मजबूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, हाँ, चुम्मा लेने के लिए। तो अभी अभी तो चुम्मा है, चुनाव के बाद उम्मा है। बीजेपी का भी रिएक्शन आ गया है सुनील सोनी के वायरल वीडियो पर। बीजेपी का रिएक्शन है, वीडियो को फर्जी बताया है बीजेपी ने। ना सिर्फ फर्जी बताया, हमने आपको अपडेट दिया कि अब वो थाने पहुंच गई है। कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया कि उनकी मिलनसार छवि से, यानी सुनील सोनी की मिलनसार छवि से कांग्रेस भयभीत हो गई है। पार्टी के प्रत्याशी श्री सुनील सोनी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि पूरी तरह से फर्जी है, फेक है। और विपक्षी राजनीतिक दल के नेता सुनील सोनी जी की मिलनसारिता के स्वभाव से भयभीत होकर उनके प्रचार प्रसार और उन्हें जो जनमानस का सहयोग और समर्थन मिल रहा है उससे भयभीत होकर ऐसे वीडियो प्रचारित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस फेक वीडियो के लिए FIR दर्ज कराने वाली है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगी। तो कुल जमा रायपुर में उपचुनाव को लेकर सियासत बहुत हाई है। वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून के जरिए अपने हमला करने के सिलसिले को लगातार जारी रखा है। पोस्टर के जरिए उपचुनाव में कांग्रेस के अंदरूनी कलह को दिखाया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा को कांग्रेस के नेता पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर, कन्हैया अग्रवाल, ये कार्टून में लिखा क्या है, तुझे जीतने तो नहीं देंगे हम। एक पोस्टर, फिर दूसरा पोस्टर, यानी पोस्टर पॉलिटिक्स। कांग्रेस भी पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने पोस्ट किया, तंज कसते हुए लिखा कि बीजेपी किनारे हो गई है। उन्होंने सिर मुंडवाया, उन्होंने दौड़ लगाई, उन्होंने प्रदर्शन किया, वो कभी पानी में डूबे। और ठीक दीपावली के पहले उन्हें बड़ी खुशखबरी मिल गई। छत्तीसगढ़ में SI भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने रिजल्ट जारी कर दिया है। 959 अभ्यर्थी चयनित हुए। 975 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी, रिजल्ट जारी हुआ नहीं था, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। एक और पेंच है, हाईकोर्ट ने 15 दिनों में रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था। इंतजार देखिए, इंतहा हो गई इंतजार की, 6 साल बाद रिजल्ट जारी हुआ है। और रिजल्ट जारी होने के बाद CM विष्णुदेव साय ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी है। CM ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया और परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। क्या कुछ वो अपने एक्स हैंडल पर लिख रहे हैं ये देख लीजिए। हमारी सरकार ने पुलिस विभाग में SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित सभी 959 अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। इन युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा, ये कह रहे हैं इस व्यवसाय। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। तो SI अभ्यर्थियों को 6 साल से इस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार आज उसका ऐलान हो गया। SI भर्ती परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। हाईकोर्ट ने भी 15 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए थे। अब ये परिणाम उन सभी उम्मीदवारों के लिए किसी दीपावली के तोहफे से कम नहीं। बिलासपुर की बद्री साक्षी यादव का भी चयन हुआ है। छह साल के लंबे इंतजार के बाद SI भर्ती की जो प्रक्रियाएं थी उसको पूर्ण कर ली गई है, आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। हमारे साथ श्रीमती बद्री साक्षी सिंह मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितना लंबा इंतजार रहा है ये आपका और कैसा लग रहा है आज जब परिणाम आ गया।
आज को बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। हमने 7 साल इंतजार किया, 2018 की भर्ती थी ये। चलो देर आई दुरुस्त है, लेकिन फाइनली रिजल्ट आ गया हमारा, आज बहुत खुशी हो रही है। एक लंबा संघर्ष भी हमने देखा आप लोगों का, लंबा संघर्ष किया, आंदोलन किए, और उस दौरान कई तरह की बातें भी घर में होती रही होंगी कि अब क्या करेंगे आगे। जी, थोड़ा सा मेंटली प्रेशर रहता था कि रिजल्ट इतना लेट हो रहा है, पूरे 1 साल इंटरव्यू के दिए हुए थे हम लोग को, क्या करें करके हम जाके सरकार से आग्रह करते थे, सर हमारा रिजल्ट निकाल दीजिए करके, वो हमको आश्वासन देते थे। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार से भी हमको ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, अब उन्हें कहा था कि दिवाली को आपको तोहफा मिलेगा, वो तोहफा आज मिल चुका है। और अब दरिंदगी भरे केस में बड़े एक्शन की बात। सूरजपुर डबल मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पर बुलडोजर चला है। कुलदीप साहू ने सरकारी जमीन पर मकान बनवाया था, इसे लेकर यह एक्शन लिया गया है। 14 अक्टूबर को प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप कुलदीप साहू पर है, और भी उसके सहयोगी हैं, उन पर भी हत्या के आरोप है। सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड को लेकर प्रशासन का बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, यहाँ जहाँ प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है। यहाँ मुख्य आरोपी जो कुलदीप साहू, उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ देख सकते हैं सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, राजस्व अमला यहाँ पर मौजूद है, और 3 जेसीबी वाहन लगी हुई है जहाँ अभी यहाँ बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। और यहाँ पर इस मकान को जो अवैध रूप से शासकीय भूमि पर काबिज है, वहाँ ये बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो देख सकते हैं कि ये जो लगातार जो आक्रोश का माहौल था, लोगों की जो मांग थी और लोगों में जो गुस्सा बना हुआ था जिससे दोहरे हत्याकांड को लेकर, उसको लेकर अब यहाँ बड़ा कार्रवाई नजर आ रहा है प्रशासन का। जहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सरगुजा संभाग भर से यहाँ पुलिस बल तैनात किए गए हैं, और ये जो कार्रवाई है बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर नजर आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रशासन तैनात है, और ये कार्रवाई फिलहाल जो है दोहरे हत्याकांड को लेकर यहाँ पर बड़ा कार्रवाई नजर आ रहा है, और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ऐसे में अब कितने जो 6 आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, कितने आरोपी के घर पर ये बुलडोजर कार्रवाई होती है, यह तो आने वाला वक्त बताए। मामले सियासी बेहयाई के भी चले आते हैं। खबर से पहले यह जान लीजिए, 12 साल की बच्ची पर 20 बार हमला किया गया, 20 बार उसे चाकू मारा गया, अकेले 9 बार चाकू उसके गले पर मारा गया। अब खबर जान लीजिए, डबल मर्डर मामले में आरोपी के घर बुलडोजर चला, कांग्रेस को नागवार गुजरा है। संचार प्रमुख है सुशील आनंद शुक्ला, तंज कस रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई बाकी विषयों से ध्यान भटकाने के लिए की गई। बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ विषयों से ध्यान भटकाने के लिए, किसी एक अपराधी के घर बुलडोजर चलाकर जनता का ध्यान भटकाना सही नहीं है। कमाल है। देखिए, सरकार विषय से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर की कार्रवाई से हासिल क्या होगा? सरकार वास्तव में चाहती है कि कानून व्यवस्था सही हो, तो सबसे पहले गृह मंत्री को हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। आप सूरजपुर में आरोपी के यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे, आप लोहारी डे में प्रशांत साहू की हत्या के मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं किए हैं, बलरामपुर में हत्या के मामले में अभी तक आप सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, बलौदा बाजार की घटना के बारे में आज तक आप कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। तो किसी एक अपराधी के घर पे बुलडोजर चला के आप जनता का ध्यान नहीं भटका सकते। दो और महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। केस आरोपी का, दो आरोपियों का कांग्रेस कनेक्शन है, एक बात। दूसरी बात कि कभी कभी बयान ऐसे हो जाते हैं, समझ नहीं आता है कि आपको छाती पीटनी है या ताली पीटनी है। अगली खबर, इस हत्याकांड में आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई चली, कांग्रेस ने बयान दिया। डेप्यूटी सीएम अरुण साव पलटवार कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुद्दे से भटकाने का काम कांग्रेस करती है। मैंने कहा कि जो अवैध निर्माण है, गैर कानूनी निर्माण है, वो कानून सम्मत ढंग से किए जा सकते। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, ना उनके पास नेता है, ना नियत है, ना काम है जिसको बताकर वो जनता के पास वोट मांगेंगे, इसी प्रकार के वो हथकंडे करेंगे। और याद करिए पुराने दर्द को, छत्तीसगढ़ में फिर वही दर्द निकल कर आया है। एक बार फिर अकफोड़वा कांड हुआ है, दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद 12 मरीजों को दिखना बंद हो गया, आंखों की रोशनी के लिए गए थे, अंधे जैसे होकर लौटे। इन्हें इलाज के लिए रायपुर के मेकाहारा में भर्ती किया गया है,
घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 18 अक्टूबर को कैंप लगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मरीजों को दिखना बंद हो गया। फंगस वाले ओटी में ऑपरेशन थिएटर, फंगस वाले ऑपरेशन थिएटर में मरीजों को ऑपरेशन कर दिया गया। घटना के बाद सियासत भी हो रही है, कांग्रेस इसे मौके की तरह देख रही है। वहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है, उसके राख रखाव में या दवाइयों में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई जिसके कारण ये हुआ है, क्योंकि पहले भी दंतेवाड़ा में ऑपरेशन होते रहे हैं। जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनके ऊपर टारगेट का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, एक निश्चित संख्या में रोज ऑपरेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि कैटरेक्ट के मरीज दूरस्थ अंचलों में बहुत ज़्यादा हैं, और ऑपरेशन थिएटर की जो फिटनेस है वो राज्य नोडल अधिकारी द्वारा दी गई कि नहीं दी गई, दवाइयों का स्तर क्या था, इसकी जांच रिपोर्ट आए बगैर डॉक्टरों को निलंबित करना मुझे लगता है कि डॉक्टरों में एक डर पैदा करेगा, डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। दंतेवाड़ा के पहले धमतरी, हर जगह मोतियाबिंद जैसे सामान्य ऑपरेशन में लोगों की आँखों की रोशनी जा रही है। कल ही दंतेवाड़ा में 10 लोगों की आँखों की रोशनी चली गई है, और जो हमारे पास सूचना आ रही है कल उनका इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया है, लेकिन किसी के भी आंख की रोशनी वापस आने की संभावना नहीं दिख रही है। इस मामले में कांग्रेस ने जांच दल भी बनाया है, आज कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के लोग भी मिलने जाएं। तो डॉक्टर साहब को सुना होगा आपने, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टारगेट होता है, आपकी आंखें, आपकी दृष्टि, आपका विजन टारगेट है। कब आप टारगेट बन गए आपको पता चला? बहरहाल इस कांड में एक और मरीज की तबीयत बिगड़ी, रायपुर उसे लाया गया है, मरीज को मेकाहारा में भर्ती कराया गया। 18 अक्टूबर को कैंप में ऑपरेशन हुआ था, फंगस वाले ओटी के बाद कई मरीजों की तबीयत खराब हुई, यह खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब जरा फोड़वा कांड की हिस्ट्री देख लीजिए, यह बगल में चल रही है, नया नहीं है। आंखों की रोशनी के लिए आप जाइए, आंखों की रोशनी घमाकर चले आइए। राजनांदगांव, बालोद, यहां पर भी कांड हो चुका है। बागबहरा, कवर्धा, यहां पर भी आंखें ली जा चुकी हैं, कांड हो चुका है। इन सभी जगह मोतियाबंद के ऑपरेशन किए गए थे।